हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक डाई के बारे में जो बहुत अच्छी है बालों के लिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही और इसमें मार्केट से मैंने सिर्फ एक दो चीज़ ली हैं, अदरवाइज ये घर सब घर की चीज़ें हैं। और इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगती है जो डाई मैं बनाती हूँ। और इसके लिए कैसे क्या क्या सामान चाहिए होगा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो लिया है ये काला भांगरा लिया है मैंने, इसका पाउडर है। और क्योंकि बस यही मैंने बाजार से लिया है, अदरवाइज सब चीज़ें घर की हैं। और ये जो मैंने लिया है ये कचनार जो होता है, जो उसके फूल होते हैं, तो ये मैंने उसका पाउडर बनाया। देखिए ये मैंने अभी पीस करके रखा हुआ है, अभी थोड़ा क्योंकि अच्छे से सूखा नहीं था ना, तो इसके थोड़ा सा लकड़ी जो है उसकी, क्योंकि मैंने उसको पूरा उसके स्टेम के साथ ही तोड़ा था तो उसको सुखाया है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे से सूखा नहीं है। और इसको मैंने जबकि छाना है स्टेनर में, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें लकड़ी टाइप का। तो ये कचनार जो होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक बनाता है और बालों की आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। और ये जो मैंने लिया है, ये मैंने कलौंजी का पाउडर लिया है और ब्लैक टी है, तो ये इसको मैं एक चम्मच आधा चम्मच के करीब इसका पाउडर डालूंगी। और 2 चम्मच के करीब मैंने मेहंदी लिया है। तो ये सब चीज़ें बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बालों को बहुत ज़्यादा ब्लैक बनाती हैं, आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करती हैं। साथ में जिनके बाल बहुत कम हैं तो उनके बालों को बहुत ही अच्छे से, उनके बालों को घना करती है। और ये सब इसको कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। 2 चम्मच के करीब देखिए मैंने मेहंदी लिया है और इसमें मैं ये 1 चम्मच आधा चम्मच के करीब ही पाउडर डालने वाली हूँ। और 1 चम्मच के करीब लूंगी मैं कचनार का पाउडर, इसका मैंने स्टेम के साथ बनाया इसका पाउडर। कचनार के जो फूल होते हैं उसको मैंने पीस करके हल्का सा सूखा करके तो उसका बनाया है, बल्कि थोड़ा सा इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सूखी नहीं थी अच्छे से, तो इसलिए थोड़ी मोटी मोटी हो रही है वो। और उसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच के करीब काला भांगरा। भांगरा बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को बहुत अच्छे से ब्लैक करता है और बहुत अच्छी हर्ब्स है बालों की ये। तो मैं अब क्या करने वाली हूँ उसको, ये देखिए इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको सिंपल पानी में घोलने वाली हूँ। ये देखिए सिंपल पानी डालती हूँ जिससे कि थोड़ा सा ये अच्छे से गीली हो जाए अच्छे से। और उसके बाद मैं 1 चम्मच के करीब डालूंगी एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल तो मैं हमेशा डालती हूँ, चाहे मैं डाई यूज़ करूँ या ना करूँ, तो मैं बालों में वैसे भी एलोवेरा जेल लगाती हूँ क्योंकि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जितना ज़रूरी मैं समझती हूँ मेहंदी में पानी डालना मेहंदी को गीला करने के लिए, उतना ही ज़रूरी है मेरे लिए एलोवेरा जेल मेहंदी के लिए, क्योंकि मैं ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं बालों में, क्योंकि मुझे बहुत चिपचिपाहट लगती है बालों में तेल लगाने से। तो मैं क्या करती हूँ एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ और कभी भी बालों में तेल नहीं लगाती हूँ और मेरा एक बाल भी नहीं गिरता है। और क्योंकि बाल जब आप बाल में ऑयल लगाते हैं तो उसके रूट्स में क्या होता है आपको डस्ट बैठती है, और डस्ट जब होती है तो आपको आपके बालों की जो जड़ें होती हैं उनको बहुत कमजोर कर देती हैं और बाल उससे फिर क्या होता है आपके गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी अपनी बेटी को भी ऑयल नहीं लगाती हूँ बालों में, हमेशा एलोवेरा जेल लगाती हूँ। और मैंने एक वीडियो बना करके रखा हुआ है छोटे बच्चों के लिए, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है वो एलोवेरा जेल है, मैं उसको डालूंगी अभी थोड़े दिन के बाद। तो एलोवेरा जेल है उसमें मैंने 1-2 चीज़ें ऐसी डाली हैं जो बालों बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि उनकी एक बेटी है 9 साल की, उसके बाल बहुत कम हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने उनको बोला कि मैंने जो ऑयल बनाया है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन छोटे बच्चों की ऐसी मैंने देखा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके छोटे बच्चों के आजकल बालों की ग्रोथ बहुत कम है, बाल बहुत कम होते हैं सिर पर, स्किन पूरी दिखती है इतनी छोटी एज में और बाल भी बहुत गिरते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो मेहंदी तो लगा नहीं सकते, तो उनके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा हेयर टॉनिक तैयार किया है। तो मैं उसमें मुझे जरा 1-2 चीजें और नहीं मिल रही हैं तो मैं उसको भी उसमें ऐड करने वाली हूं। उसके बाद मैं फिर आपको बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो उससे क्या होगा वो बालों में आप सिंपल ऐसे लगाइए और कुछ भी आपको, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो ज्यादा देर किसी भी चीज को लगाकर नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए वो मैं ऐसा टॉनिक तैयार कर रही हूँ बालों के लिए जो आपको, जैसे कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं उसके बाद उनके बालों में लगाइए तो वो पता भी नहीं चलेगा, और सुबह आप उनके बाल वॉश कीजिए तो बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बाल जल्दी से बिल्कुल उनके जैसे कमीज में आजकल व्हाइट होने शुरू हो गए हैं, जैसे 15-16 के बाद ही आजकल तो खैर बहुत ही कम एज में हो रहे हैं बाल वाइट, तो 15-16 के बाद या 20 के बाद तो बाल एकदम से वाइट होने शुरू हो गए आजकल, मैं बहुत देख रही हूँ लोगों के। तो जब वो टॉनिक छोटे बच्चे यूज करेंगे तो उसको बिल्कुल उनके बाल जल्दी एज में उनके बाल नहीं होंगे वाइट। तो और अभी मैं उसको दिखाऊंगी, उसकी वीडियो भी बनाऊंगी, भी 1-2 सामान मुझे नहीं मिला उसमें डालने के लिए। तो अभी मैं ये डाई के बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें डाला एलोवेरा जेल 1 चम्मच के करीब, थोड़ा पानी डाला है। तो इसको क्या करना है,
मैं इसको खोल देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि जब आप ब्रश पे लगाते हो तो हिंदी आपकी बहुत ही स्मूथ पेस्ट होना चाहिए और बहुत ही थोड़ा सा पतला। ये जैसे बहुत गाढ़ा है तो मैं, क्योंकि मुझे तो रखना है अभी रात भर ये, तो ये और ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देती हूँ। लेकिन जब सुबह में मैं लगाती हूँ तो उसको बहुत पतला कर लेती हूँ, ताकि वो ब्रश में जब मैं लगाऊँ तो मेरे बूट्स में, बालों में बहुत अच्छे से वो जाए। ये देखिए, और जिन लोगों को शिकायत रहती है कि मेहंदी ऐसी बताइए डाई कि जो जल्दी से ना उतरे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको क्या करना है, सिंपल मैं आपको दिखा देती हूँ, एक चम्मच के करीब उनको, अगर जिनको लगता है कि जल्दी नहीं उतरनी चाहिए तो उनको थोड़ा सा इसमें कत्थे का पानी डाल देना चाहिए। कत्था क्योंकि बहुत पक्का कलर देता है बालों को, बहुत ही ज़्यादा पक्का कलर देता है, जल्दी से उतरता भी नहीं है। तो उसको क्या करना है, अभी देखना आप जब रात भर इसको लोहे की कढ़ाई में डाल करके रखोगे ना, ये कत्थे का कलर इतना पक्का आता है ना मेहंदी में कि आप बिलीव नहीं करोगे। ये देखिए, ये देखिए, तो आप इसको, ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से आपको बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए, तो ये डाई इतनी अच्छी है बालों के लिए, क्योंकि जब मैं इसमें कत्था जो डाला है ना, कत्था आपके बालों को बहुत ज़्यादा पक्का कलर देता है। जिन जो लोग कहते हैं बहुत जल्दी निकल जाती है बालों से, बहुत जल्दी निकल जाती है, तो वो एक्ट्रेस इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगी जितना वो जल्दी सिंपल मेहंदी निकल जाती है। और अभी गर्मियां हैं तो आप इसको बार बार लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं इसमें। और जो हब्स मैंने डाली हैं वो इतनी एकदम ओरिजिनल है, और ये कचनार के जो फूल हैं वो मिल जाते हैं आपको, शॉप में भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ एक्चुअली पेड़ है तो मैं वहाँ से तोड़ करके लाई और मैंने उसको सुखाया। सुखाने के बाद ये थोड़ा क्या, मौसम अभी जरा थोड़ा सा अजीब हो गया, एकदम कभी बादल आ जाते हैं, कभी हवाएं चलने लग जाती हैं तेज, तो कभी बारिश हो जाती है, तो वो ढंग से सूख नहीं पाया। मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने फिर जितना भी था उतने को उसको पीस दिया है, बल्कि अभी बहुत मोटा मोटा पड़ा है, तो मैं इसको फिर से सुखा करके उसका पाउडर बनाने वाली हूँ, और इसका भी फिर से पाउडर बनाऊंगी। तो ये देखिए, और ये बहुत ही रेड कलर का होता है एक्चुअली, अभी पीस के थोड़ा ऐसा लग रहा है, देख नज़दीक से देखिए तो ये रेड रेड थोड़ा मरून टाइप का है ये, तो बहुत ही अच्छा है ये बालों के लिए, बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, बालों को बहुत ही अच्छा कलर देता है, ब्लैक कलर देता है। और ये बहुत ही अच्छी डाई है, आप इसको यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद जब आप इसको 4-5 बार यूज़ करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा कलर देता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हो, तो आप हर डाई के साथ आंवला जरूर ऐड कर सकते हो, क्योंकि आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने काला भांगरा डाल दिया है तो, या मैंने इसमें ये सब चीज़ें डाल दी हैं, कचनार डाल दिया है, तो आप ये इससे काला हो जाएगा, इससे काला हो जाएगा, लेकिन क्या है, जब आप आंवला डालोगे तो आंवला भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, तो आपके बालों के लिए की परेशानियों को बहुत सारी को ख़त्म करता है। तो आप आंवला तो हर डाई में ऐड कर सकते हो, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं कि मैंने इसमें आंवला नहीं डाला तो आप भी आंवला नहीं डालोगे, आप डाल सकते हो आंवला, क्योंकि आंवला चाहे आप हर डाई में यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं अपनी डाई में आंवला हर डाई में ही यूज करती हूँ करीब करीब, और मैं एलोवेरा जेल जरूर यूज करती हूँ, पानी हो या ना हो, मैं एलोवेरा जेल में, अगर मैं खुद कभी कभी लगाती हूँ, जैसे वीडियो नहीं बनानी होती है और मेरे पास ज्यादा हो जाता है एलोवेरा जेल, तो मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा जेल में ही मेहंदी घोल लेती हूँ, तो वो इतने सुंदर बाल हो जाते हैं। और आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं डाई यूज़ करती हूँ तो मैं कभी भी शैम्पू नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मैं जेल लगाती हूँ ना डाई में डालती हूँ, उसके बाद आपको शैम्पू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, इतना क्लीन कर देता है, बिल्कुल जैसे शैम्पू से आपके बाल क्लीन हो जाते हैं ना बिल्कुल, तो वैसे ही मेहंदी लगाने के बाद, जबकि अगर आप इसमें एलोवेरा जेल नहीं डालोगे तो आपके बाल थोड़े रफ हो जाएंगे, तो लेकिन जब आप इसमें एलोवेरा जेल डालते हो ना, तो आपको बिल्कुल शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, और कभी भी शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। शैम्पू मैं तब करती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं कहीं से बहुत टाइम तक बाहर हूँ और मेरे बाल बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है बालों में, तो मैं शैम्पू कर लेती हूँ, क्योंकि अगर डस्ट होती है बालों में तो फिर मेहंदी अच्छे से नहीं रच पाती है। अदरवाइज जब मैं अगर घर में रहती हूँ तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो बाल क्लीन ही रहते हैं, तो फिर मैं जब हफ्ते हफ्ते में मेहंदी लगाती हूँ तो फिर मैं शैम्पू बिल्कुल नहीं करती। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक एक दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं शैम्पू बिल्कुल नहीं करती, और बाल मेरे इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने ज़्यादा सिल्की हैं, और टूटते भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो एलोवेरा जेल में जो डालती हूँ ना, वो शैम्पू का काम करता है, सोच लीजिए, इतने कंडीशनर का काम करता है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं आपके। तो अगर आप चाहते हो कि आप, क्योंकि शैम्पू से बाल भी बहुत वाइट होते हैं और बाल गिरते भी बहुत हैं, क्योंकि आपको क्या है, आप जब एक एक चीज़ यूज़ करते हो तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है शैम्पू, आप कंटिन्यू एक चीज़ को रख नहीं सकते हो। और अवॉइड करो कि आप ना यूज़ करो, अगर हर चीज़ में
और बेटर होगा कि आप पानी की बजाय अगर एलोवेरा जेल आपके घर में है, एलोवेरा लगा हुआ है, तो आप उसी को यूज कीजिए, तो आपको शैम्पू की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी डाई है, आप इसको एक बार जरूर यूज कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।